तरन तारण के दाना मंडी में किसान संघर्ष कमेटी वालों जिला पदरी रैली की गई है, जिस विच हजारां किसानों ने शमूलियत की है। खास तौर पर वड्डी गिनती विच औरतां केसरी दुपट्टे लैके इस रैली च पहुंचियां। इस मौके मोदी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई है, तीनों काले कानून वापस लैण की मंग भी की गई। इस मौके किसान आगू सरवण सिंह परदेर ने दावा किया है कि बेशक मोदी सरकार किसानों के खिलाफ वख-वख तरह दीआं खेडां खेड रही है, चालां चल रही है, पर इसके बावजूद दिल्ली विच लगा मोर्चा दिनों दिन वधदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों वालों मोदी सरकार के खिलाफ महा रैलियां कीतियां जा रही हैं, जिन्नी देर तक तिन्ने काले कानून रद्द नहीं होंदे हन उन्नी देर किसान शांत नहीं होंगे। देखो सरकार तो पहलों कहते सी साढ़े खेती के कानून ठीक आ, फिर इन अंदोलन ने कहता भी साढ़े खेती के कानून कुछ गड़बड़ा वा, मन गए। फिर वो इस गल भी मन गए भी असी डेढ़ साल ही वापस लैन तैयार हाँ। यह जितना यह अंदोलन का सदका ही आ, जे इतों तक असी मना लिया तो वो दिन दूर नहीं गा भी ये लोगों के हड़ रूपी कठ और लोगों का सिर इरादा तो दिल्ली मोर्चा यह कानूनों रद्द भी कराऊगा। देखो जिले ही कर रहे अपने पद्धर से, 7 मार्च को जलंधर जिला शाहकोट में अपनी रैली करेगा महारैली, सॉरी कपूरथला जिला 10 मार्च को सुल्तानपुर लोधी में आपकी वड्डी रैली, 12 ते 13 को फिरोजपुर जिला फिरोजपुर जिले में अपने बड़े कट करूंगा। देखो दिल्ली के मोर्चे नूं होर कामयाब करना वा, सरकारां दीआं चालां नूं कुटना वा, संघार नूं दसना वी अंदोलन वध रहा वा घट रही आ, पंजाब दी धरती इस अंदोलन नूं लंबा लड़नी तैयार करनी आ, हर हरबा सरकार दा फेल करन लई मानसिक तौर ते तैयार करना। तरन तारण तों जसबीर सिंह लड्डू दी रिपोर्ट, पंजाब टुडे।